अम्मी मैंने सारी लिस्ट तैयार कर ली है, कपड़े, जेवर, जूते। मेरा मेकअप लिखा तो मैंने सबसे पहले लिखा है। दादी तो हमें यहाँ पर काजल भी नहीं लगाने देती। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब शादी के बाद तो अपनी सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान पूरे कर लेना। और तुम शादी के बाद पार्लर से तैयार होना। और हाँ अम्मी, अभी तक हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, जन्नत की शादी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जमान ने बोल दिया कि अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, अम्मा जान को बता सकते हैं। इसी बात का तो डर है अम्मी। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सारी तैयारी हो जाएगी। बस तुम लिस्ट तैयार रखो ताकि कोई चीज भूल ना जाए हम। चलो ये तो हो गया, अब तुम लिस्ट बताओ अपनी, क्या लिखा है तुमने? ये तो देख लो। क्या हो रहा है? बर्तन धुल रहे। मैं कुछ हेल्प कर दूं तुम्हारी? क्या, ये तो मैं रोज ही करती हूँ। वैसे आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? और तुम्हारे ये हाथ खराब नहीं हो जाएंगे? मैं तो शादी की तैयारी की वजह से बोल रही थी, वो घर में काफी काम बढ़ गया है ना। खैर तुम्हारी फ्रेंड अलिश्पा और काशिफ काफी अच्छी नेचर के हैं। वो नंबर है तुम्हारे पास उनका? नहीं, और मेरे पास किसी का नंबर नहीं। थैंक यू सो मच सिला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि तुमने तो कसम खा रखी है कि तुम किसी हाल में भी मुझे खुश नहीं देख सकते। लेकिन मेरा तुम्हें चैलेंज है, अब सिर्फ काशिफ का नंबर ही नहीं बल्कि अब काशिफ भी सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा होगा। अम्मा आपसे एक बात करनी थी। हाँ बैठो। वो जन्नत को कल माइयों बिठा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिठा दो। लेकिन अम्मा वो हुमायूं बेटे के बारात और वलीमे के जोड़े खरीदने थे। तुम फिक्र ना करो, जमान हुमायूं को कैश दे देगा, वो अपनी पसंद के शादी के जोड़े खरीद लेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जन्नत के भी शादी और बारात के जोड़े खरीदने थे, और अगर दूसरा सामान भी आ जाता तो हम पैक कर लेते, और सिला और मेरे लिए भी कपड़े चाहिए होंगे। भाई तौबा है तौबा, ये रोज़ रोज़ की हड़तालें, लोड शेडिंग, कभी बिजली की कभी गैस की, और महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है। मैं तो रोज़ बैठ के न्यूज़ चैनल देखती रहती हूँ, और जमान भी बेचारा बहुत परेशान है, कह रहा था कि फैक्ट्री का काम अब पहले जैसा नहीं चल रहा, कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अम्मा शादी पर तो खर्चा होगा। अरे हाँ हाँ तू फिक्र ना कर, आखिर हमारी जन्नत बेटी की शादी है, जमान चाहे किसी से भी उधार ले, ये शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हो तुम? ठीक ठाक। हेलो अलिश्बा। हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। क्या तुम अकेले आई हो? मेरे भाई भी साथ हैं, बाहर खड़े हुए हैं। मैंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ आंटियाँ और लड़कियाँ होंगी। अरे तुम लोग तो हमारे फैमिली मेंबर हो। अलिश्बा ऐसे बुरा लगता है, जाओ तुम उन्हें बुला के लाओ। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि वो गाड़ी में बैठे रहें। एक काम करो, तुम खुद जाओ उन्हें बुला कर लाओ, अगर मैं गई तो वो मेरे साथ नहीं आएंगे।
अम्मी अम्मी आप ही आए रस्म करें। अम्मा आप भी आए। आप सिला नहीं आई बुलाने के लिए? आप छोड़े उसे, मैं आ गई ना आपको बुलाने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक सो के जो गेस्ट को इनवाइट करे उसे ही बुलाने आना चाहिए था। आज से आप सिला के नहीं मेरे गेस्ट। आई थिंक हमें अंदर चलना चाहिए। चले सैम और शिला तुम चलो मेरे साथ चलो। सैम शिला अरे कहाँ रह गए भाई? जी जी आया दादी। शिला कहाँ? मुझे नहीं पता शिला कहाँ रह गई, आपने मुझे क्यों बुलाया? तेरे पाँव में क्या मेहंदी लगी है? ये बैग उठा और इसे ले चल शामियाने में, इसमें जन्नत के जहेज के कपड़े। चलो ले जाऊं? तौबा है तौबा। अरे तो क्या मैं सर पे उठा के दूं? सिला बेटा
काफी देर हो गई, बैग खोलकर लोगों को जन्नत के कपड़े दिखाओ जो हमने इसके लिए बनवाए हैं। दिखाएं। ये क्या मजाक है अम्मी, ये तो पहने हुए कपड़े हैं। अम्मी जन्नत इस घर की बड़ी बेटी है, वो ये उतरे हुए कपड़े पहनेगी? उसके भी कुछ अरमान है, ये उतरे हुए कपड़े पहन के हम उसे रुखसत करेंगे? माँ आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, मेरी बेटी की शादी के दिन आपने ये सुतेला बना दिखाया। रुबीना, सिला मनोज की तो आदत है हर खुशी के मौके पे ये कोई ना कोई हंगामा जरूर करती है, लेकिन तू तो होश के नाखून ले, तू तो समझदार है, वरना मैं सबकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। दादी आप भी मेरी बात सुन ले, मैं अब खामोश नहीं बैठूंगी, जन्नत ये उतरे हुए कपड़े नहीं पहनेगी, ना ये वो पहन के रुखसत होगी। तौबा है तौबा, तेरी बहुत जबान चलती है ना, अभी मैं तेरी जबान गुद्दी से खींचती हूँ। मैं तुझे अभी बताती हूँ। अम्मा, अम्मा, दादी, अम्मा, अम्मा, जन्नत, जन्नत, क्या हुआ? जन्नत, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? जन्नत, 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 सिला, जन्नत, 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 आंटी के हाथ पांव भी मुड़े हैं। बेटा, जन्नत, 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 अरे हटो इधर से, हटो, हटो इधर से, अरे हट परे, अरे इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है, जूती सुनाओ जूती, या पानी पिलाओ इसे, अभी होश आ जाएगा। इनफ दादी, बहुत हो चुका है, आप पहले उस मासूम के साथ कुछ कम कर चुकी हैं, जब ये जाहिलों वाले टोटके आजमा के आप उसे मारना चाहती हैं क्या? भाई आप प्लीज चुप हो जाइए। अनिश्बा उसको डॉक्टर के पास लेके जाने की किस किस्म की बातें कर रही है? तू बड़ा डॉक्टर बन रहा है ना, तो फिर देख इसे ठीक कर। यू आर राइट, She needs a doctor. आप आंटी आप इसे डॉक्टर के पास लेके चलें। चलें हॉस्पिटल लेके चलें। जन्नत, 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 जन्नत तो, जन्नत, जन्नत कुछ तो बोलो। जन्नत, सिला इसको क्या हो गया है? मम्मी आपको तो पता है वो दादी से पहले ही डरती है। दादी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन पहले तो कभी इसकी हालत ऐसे नहीं हुई है। आंटी आप परेशान मत हो, जन्नत ठीक हो जाएगी। आप प्लीज गाड़ी तेज चलाएं। दादी अम्मा मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं जन्नत वाकई में ना मर जाए। क्या पागल हो गए तुम? जो तुम्हारे मुंह में आता है वही बोल देते। दादी आप अब्बू को कॉल करें। क्या कहूँ उसे फोन करके कि जन्नत बेहोशी का ड्रामा बाजी कर रही है? मैं जमान को फैक्ट्री में परेशान करना नहीं चाहती, मेरा तो खुद का दिल चाह रहा है कि मैं उस जन्नत का गला ही दबा दूं। लेकिन क्यों दादी? इसलिए कि आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई है कि मेरे सामने कुछ बोले, और वो कल का छोकरा छिछोरा कहीं का सारे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। और तो और सिला उस काशिफ के साथ बैठ के हॉस्पिटल चली गई। बस ठीक है, आज के बाद ये छिछोरे बहन भाई हमारे घर में कदम नहीं रखे। दादी लेकिन सारा ड्रामा तो सिला और जन्नत ने क्रिएट किया था ना, इसमें काशिफ और इलिशबा की क्या गलती है? जब मैंने कहा है ना कि हम उसकी सूरत भी नहीं देखेंगे। महक तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अलिशबा और काशिफ की, कभी अपने इस भाई की और अपनी बहन जन्नत की भी फिक्र कर लो। आंटी आप क्यों रो रही हैं? जन्नत की तबीयत तो बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो फिर मुझे अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं दे रहे? वो डॉक्टर साहब हम जन्नत से मिल सकते हैं? अभी नहीं, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर इस वक्त बहुत हाई है और हार्ट बीट भी डिस्टर्ब है। पेशेंट को स्टेबल करने के लिए बहुत सुकून की जरूरत है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को हुआ क्या है? उसकी तो शादी अगले हफ्ते। देखिए इस वक्त वो बहुत खौफ में है, और आप लोगों को उसे कम से कम 24 घंटे स्पेशल केयर में रखना होगा। अम्मी आप प्लीज परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा।
पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में खुशी से पहले हमेशा दुख डेरे डाल देता है। मेरी जन्नत तो बहुत ही मासूम और भोली है, सब कुछ मेरी वजह से हो ना। मैं दादी अम्मा से बहस करती ना आज के दिन देखना पड़ता। हाय हाय, अरे अब क्या होगा यार। लेकिन अम्मा घर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। तौबा है तौबा, अरे तूने तो कहा था कि घर के झगड़ों से मुझे दूर ही रखना। अम्मा लेकिन अब बात घर से निकल के ना अस्पताल तक पहुंच गई है, और फिर क्या जरूरत थी उसको माइयों वाले दिन सब मेहमानों के सामने डांटने की। वाह भाई वाह, मैं हमेशा तेरा भला सोचूं और तू उल्टा मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है। अरे अम्मा मेरा ये मतलब नहीं है। तेरा मतलब जो भी हो, अरे अगर हमने इन माँ बेटियों को ढील दे दी ना तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएंगी और हमें घर का नौकर बना के रखेंगी। लेकिन अम्मा तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अभी प्रॉपर्टी पे हमारा सिर्फ कब्जा है, अभी कुछ भी हमारे नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है। खैर अम्मा लेकिन अब जो मैंने समझाया है ना, तूने सिर्फ वही करना है। देख अम्मा खुदा का वास्ता इसी में हमारा फायदा है। अरे हाँ चल